एडिटिंग स्टाइल तो देखी ही होगी कितनी ज्यादा सिंपल एंड बहुत ही इंगेजिंग लगती है। तो यदि आप भी वॉक्स के जैसे वीडियोस यदि क्रिएट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वैसे कुछ इफेक्ट आपकी वीडियोस में भी आप बना सके बहुत ही इजी स्टेप का यूज करके, तो कैसे करेंगे सारी चीजें बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो यहां स्पेसिफिक एक स्टाइल पे आज हम इस ट्यूटोरियल को लेकर के आए हैं, पर्टिकुलर एक स्टाइल को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ट्यूटोरियल में हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे इस टाइप का एनिमेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये एनिमेशन आपको देखने मिल रहा है कि ओल्ड कोई डॉक्यूमेंट टाइप से है, यहाँ पे पेपर देखने मिल रहा है, वहाँ पे जो टेक्स्ट वगैरह दिए गए हैं, देन उसके ऊपर हाईलाइट होकर के वो टेक्स्ट जो है प्रॉपर हाईलाइट हो रहा है। इस एनिमेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये एनिमेशन बहुत ही सिंपल देखने में लगता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है पूरी वीडियो में। तो इस एनिमेशन को हमें क्रिएट करना है और यहाँ पे आप किसी भी टाइप का ओल्ड न्यूज पेपर हो गया या फिर ओल्ड कोई भी पेपर है जहाँ पे ऐसे टेक्स्ट वगैरह लिखे हुए हैं उनको हाईलाइट करना है। तो कैसे कर सकते हैं सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो सिंपल आपको आ जाना है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लुक आपको यहां पे देखने मिल जाता है। तो इस टाइप से एनिमेशन आपको क्रिएट करना है, तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पे जो भी फुटेज वगैरह है, जो भी आपका न्यूज़पेपर वगैरह है, जो भी आर्टिकल वगैरह है, उसको आपको दिखाना है। तो सिंपल आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे, तो मैंने यहां पे जो है इस इमेज को जो है यहां पे डाउनलोड किया हुआ है। तो ये एक पुराना न्यूज़पेपर है, हमें इसमें कोई भी जो हेडलाइन है, कोई भी टाइटल है, कोई भी टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करना है। तो कैसे करेंगे सिंपल मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहां पे आपको किसी भी न्यूज़पेपर को उठा लेना है और पर्टिकुलर कौन सी लाइन को आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो आपको यहां पे देख लेना। तो सिंपल यहां पे हम जो है ये वाले टेक्स्ट को जो है हाईलाइट करना है। तो इस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे कि यहां पे सबसे पहले हमें टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल हम यहां पे जूम इन कर लेते हैं। अब ये जो टेक्स्ट है जैसे कि प्लांट्स आर गोइंग ऑन लुकिंग टू पेस, तो सिंपल इस टेक्स्ट को हम यहां पे ऐड कर लेंगे। तो सिंपल हमने क्या किया यहां पे टाइप कर लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लिया है। अब आपको जो टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह है जो भी आप रखना चाहते हो वो यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये फॉन्ट का यूज किया हुआ है। एंड सिंपल आपको करना क्या है कि इसको प्रॉपर प्लेस करना है जगह पे। तो सिंपल हम इसका जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ से आप देखिए मैं साइज को इंक्रीज कर रहा हूँ एंड आपको सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और ये जो साइज है इसको थोड़ा इंक्रीज कर देना कि आपके जो ओरिजिनल टेक्स्ट जो लिखा हुआ है पीछे तो उसके अकॉर्डिंग आ जाए पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको कम कर दिया, जैसे कि मैं 22 कर देता हूँ इसको, तो 22 में परफेक्ट साइज लग रहा है मुझे। तो मैं सिंपल क्या करूंगा कि इसको जो अरेंजमेंट है इसको प्रॉपर करूंगा। तो यदि आप देख रहे हैं कि पेपर थोड़ा सा हमारा रोटेटेड है जिस कारण से हमारा टेक्स्ट प्रॉपर सेट नहीं हो रहा है, तो सिंपल हम इसको हल्का सा रोटेट कर लेंगे। तो ये देखिए मैं हल्का से इसको जो है रोटेट करके इसको अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये देखिए प्रॉपर ऊपर वाली जो लाइन है हमारी प्रॉपर अरेंज हो चुकी है। अब सिंपल इसका जो अलाइनमेंट है वो मैं यहां पे थोड़ा सा सेट कर लूंगा। तो नीचे का जो लाइन का गैप है वो मैं अरेंज कर लेता हूं। तो ये देखिए मैंने यहां पे लाइन का गैप एडजस्ट कर लिया है एंड इस टेक्स्ट को जो है हमें सही से अरेंज करना है। तो ये मैंने यहां पे इसको भी अरेंज कर लिया है। तो अब आपका जो टेक्स्ट है वो ऑलमोस्ट प्लेस हो चुका है सही जगह पे। अब आपको करना क्या है कि पीछे एक शेप ऐड करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि यहां पे पेन टूल ले लेंगे, देन यहां पे जो है हमें हाइलाइटर एक ऐड करना है। तो ये देखिए मैंने यहां पे हाइलाइटर एक ऐड कर दिया है। अब इसके जो स्ट्रोक है वो कम करके यहां पे हम प्रॉपर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है यहां पे ऐड कर लेंगे। तो सिंपल मैंने ये यहां पे हाइलाइटर एक ऐड कर दिया। अब इसको हम टेक्स्ट के नीचे रखेंगे, देन आप देख सकते हैं कि यहां पे किस तरीके से जो आपका हाइलाइटर वो दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा विड्थ मुझे ज्यादा लग रही है तो मैं इसकी कम कर लूंगा एंड इसको जो है हम इस तरीके से प्लेस कर देंगे। अब इसमें हमको जो है एनिमेशन ऐड करना है सिंपल उसको हाईलाइट दिखाने के लिए। तो जैसे कि आपने वहां पे देखा था इस वीडियो में कि यहां पे जैसे जैसे टेक्स्ट बढ़ रहा था तो पूरा वर्ड बाय वर्ड जो है पीछे का हाईलाइट एंड टेक्स्ट पूरा जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल हमें करना क्या है कि यहाँ पे हम इसमें एक ट्रिम पाथ ऐड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ट्रिम पाथ एक ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे जो है हमें एनिमेशन कितनी ड्यूरेशन का रखना है वो चीज हमें देखना है। तो सिंपल अभी फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे एनिमेशन को इस ड्यूरेशन पे रख लिया है। अब ये देखिए कुछ इस टाइप से एनिमेट हो रहा है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे टेक्स्ट पे भी एनिमेशन लगाना है। तो सिंपल हम यहाँ पे लगा देते हैं टाइपराइटर एंड टाइपराइटर में आपने देखा होगा कि पूरा लेटर बाय लेटर ये इंक्रीज होता है। तो सिंपल इसके हम कुछ सेटिंग चेंज करेंगे। यहाँ पे जाएंगे हम टेक्स्ट के अंदर जाएंगे एनिमेटर के अंदर और यहाँ पे रेंज सिलेक्टर पे जाकर के जो है यहाँ पे एडवांस पे जाएंगे। अब यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है उसको हम वर्ड्स कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि तो यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है। अब सिंपल हमें करना क्या है कि यहाँ पे इसको जो है एनिमेट करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो पीछे जो हाईलाइट हो रहा है हमारा तो उसको जो है एनिमेट करना है। किस तरीके से आपको जो है वर्ड के साथ में जैसे वर्ड आ रहा है वैसे ही आपका जो हाईलाइटर वो आना चाहिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कीज लगाएंगे, लाइक जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लांट्स आ रहा है ना, तो इसके पीछे पूरा
पूरा एरिया आ गया, तो सिंपल हम यहाँ पे की ऐड कर देंगे। देन इसके बाद में हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे आर के पास में जो है हम यहाँ पे की ऐड कर देना, तो ये हमने ऐड कर दी। देन आगे जाएंगे तो यहाँ पे गोइंग के पास में कर देना, तो ये हमने ऐड कर दी। एंड लास्ट में तो लगी हुई है, ठीक है। अब इन सारी कीज को सिलेक्ट करके राइट माउस क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे टॉगल होल्ड की फ्रेम कर देंगे, तब आप देखेंगे तो ये इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे टेक्स्ट जो है पूरा यहाँ पे जैसे वर्ड बाई वर्ड आ रहा था, वैसे ही आपका जो है वर्ड बाई वर्ड यहाँ पे जो है आपका हाईलाइट आ रहा है, ठीक है। बट इसकी जो टाइमिंग है वो हमको मैच कराने, तो टाइमिंग कैसे मैच कराएंगे हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पे टाइमिंग इसकी मैच कराने के लिए, जैसे कि आपको देखना है कि इसका जो ये टेक्स्ट है, जैसे कि ये टेक्स्ट आ रहा है तो ये कहाँ पे आ रहा है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये यहाँ पे इस फ्रेम पे टेक्स्ट आ रहा है, तो हमारा जो टेक्स्ट है टोटल एनिमेशन जो है 2.5 सेकंड के आसपास की टाइमिंग है। तो अब इसका देखना है आपको, जैसे कि ये प्लान है ना यहाँ पे आ गया, तो आपका जो ये वाला की फ्रेम है इसको हमको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो ये देखिए इसके साथ में आ रहा है। अब सेकंड वर्ड जो आ रहा है हमारा यहाँ पे आर आ रहा है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे इसको लाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगला वर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा। अगला वर्ड आ रहा है हमारा यहाँ पे, तो इसके लिए हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखे अब हमारा जो एनिमेशन है कुछ इस टाइप से आपको देखने मिल रहा है। वर्ड बाय वर्ड हाइलाइटर भी आ रहा है, वर्ड बाय वर्ड हमारा टेक्स्ट भी आ रहा है। अब हमें सिंपल करना क्या है कि इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे, और इस लेयर को डुप्लीकेट करने के बाद में हमको सिंपल इसको नीचे मूव कर देना है। ये देखे हमने नीचे मूव कर दी। अब इसको हमको जो है एडजस्ट करना है, लाइक जैसे कि हमें यहाँ तक चाहिए, तो ये हमने यहाँ तक इसको एडजस्ट कर दिया। एंड जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट के पास लाना पड़ेगा। तो ये देखे हमने इसको टेक्स्ट के पास लेकर के आ गया। अब हमें करना क्या है, अब इसका जो एनिमेशन है हमको एनिमेशन स्टार्ट करना कहाँ से, जैसे कि ये आ रहा है, देन इसके बाद यहां से एनिमेशन स्टार्ट होगा। तो अब इसकी जो टाइमिंग है, तो टाइमिंग हमको सबसे पहले तो इसकी कीज को नॉर्मल करना पड़ेगा। तो हमने कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखा और यहां पे क्लिक कर दिया, तो नॉर्मल हो गई कीज, और बीच वाली कीज को हमको डिलीट करना पड़ेगा। एंड हमको इसमें भी एनिमेशन की लगानी पड़ेगी, ठीक है। बीच में जैसे हमारे यहां पे लुकिंग पे कंप्लीट हो रहा है, तो यहां पे हमने एक की लगा दी। एंड इसके बाद में 2 पे जा रहा है, तो यहां पे हमने एक की लगा दी, ठीक है। एंड लास्ट की हमारी लगी हुई है, तो हमने राइट माउस क्लिक किया और टॉगल होल्ड की फ्रेम पे कर दिया, अगेन वैसी सेम चीज। देन इसके बाद में हमें करना क्या है कि यहां पे आ जाना है। अब आपका जो यहां पे वर्ड कहाँ पे आ रहा है, हाईलाइट हो रहा है, ये चीज देखनी है आपको। तो आपका वर्ड जो है यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ये इधर हो रहा है, ठीक है। तो इसकी फ्रेम को हमने यहाँ पे लगा दिया। एंड सेकंड वर्ड हो रहा हमारा यहाँ पे, तो इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। एंड थर्ड वर्ड हो रहा हमारा यहाँ पे, तो इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। अब आप एनिमेशन देखेंगे तो कुछ इस टाइप का एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो देखिए परफेक्ट एनिमेशन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। बट थोड़ी सी डिटेल, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आपको जो वॉक्स की वीडियोस है उनमें छोटी छोटी सी डिटेल्स देखने मिलती है, जिसमें आपका जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग दिखने लग जाता है। वो डिटेल्स हमें भी ऐड करनी है, तो सिंपल हमें इसमें एक इफेक्ट डालना जिसका नाम है रफ एन एज। सिंपल हम यहाँ पे रफ एन एज इफेक्ट डाल देंगे और जो कॉम्प्लेक्सिटी इसको बढ़ा देंगे, तो आप देखेंगे काफी अच्छा जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा टेक्सचर टाइप से क्रिएट हो जाता है शेप के अंदर। सिंपल हमको इस इफेक्ट को कॉपी करके यहाँ पे डुप्लीकेट कर देना है। एंड आपको करना क्या है कि इसमें एक ड्रॉप शैडो और हम ऐड कर देंगे, ताकि जो सीन है देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगने लग जाए। डिस्टेंस इसकी हम थोड़ा कम कर देंगे, 4 कर देते हैं हम इसकी डिस्टेंस को। एंड इस ड्रॉप शैडो को कॉपी करके हम इसके अंदर भी पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा लुक आपको ओवरऑल देखने मिल जाता है यहाँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे लुक जो है पेपर जैसा देखने मिल जाता है। अब आप चाहें तो यहाँ पे इसका जो कलर वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसको यही कलर सेट करके रख रहा हूँ। एंड आपको करना क्या है कि अब यहाँ पे कुछ एनिमेशन ऐड करनी है, ठीक है। क्योंकि सिंपल यदि आप ऐसा दिखाएंगे तो बहुत ही बोरिंग लगेगा देखने में, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ एनिमेशन ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमको चाहिए यहाँ पे एक नल ऑब्जेक्ट। ये देखिए मैंने नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे कर दिया ऐड। अब इन सारी लेयर्स को मैं पेरेंट कर दूंगा किसके साथ में, नल के साथ में। तो ये मैंने सभी लेयर्स को नल के साथ में पेरेंट कर दिया है। अब इसको आप जैसा भी एनिमेशन देना चाहें वैसा एनिमेशन दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे करते हैं कि स्टार्टिंग पे मैंने यहाँ पे स्केल की लगा दी है एंड पोजीशन की लगा दी है। अब मैंने यहाँ पे स्केल पोजीशन की लगा दी। अब धीरे धीरे जाकर के जहाँ पे मेरा एनिमेशन कंप्लीट हो रहा है उसके आगे तक मैं जो है इसमें थोड़ा सा जूम इन करूंगा और यहाँ पे इसको सेंटर पे लेकर, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कुछ इस टाइप से एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, ठीक है। अब इस एनिमेशन को आप कैसे भी दिखा सकते हैं, जैसा आप दिखाना चाहें। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल। तो स्टार्टिंग वाला थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं हम। देखिए कुछ इस टाइप से एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, ओके। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे ये जो एनिमेशन है इसको हम इजी कर देंगे। देन आपको करना क्या है कि यहाँ पे कुछ डिटेल्स ऐड करनी है, लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करूंगा और इसमें मुझे डालना है यहाँ पे ग्रेन्स, ठीक है। तो ऐड ग्रेन्स मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे काफी अच्छे जो ग्रेन्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। तो सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट है उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे जो साइज और इंटेंसिटी वगैरह है वो आपको इंक्रीज कर देना है आपकी नीड के अकॉर्डिंग। बस वैसे बाय डिफॉल्ट जो है इतना ही अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। एंड आपको करना क्या है, और भी ज्यादा चीजें यहाँ पे ऐड कर देनी है, लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे एक सॉलिड ऐड करने वाला हूँ। तो ये सॉलिड ऐड करेंगे, देन इसके बाद में यहाँ पे मैं जाऊंगा एलिप्स टूल पे, कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखूंगा, देन डबल क्लिक कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे एक मास्क क्रिएट हो जाएगा। देन इसके बाद में आपको जाना है इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है इसको, एंड यहाँ पे जाना है फेदर पे, तो इसमें आपको कर देना 350। तो ये काफी अच्छा जो विनियट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब इसकी ओपेसिटी आपको एडजस्ट कर लेना जितनी भी चाहिए, बट ये ओल्ड है तो पहले आपने देखा होगा ओल्ड फुटेज में विनियट वगैरह काफी ज्यादा दिखाई देता था, इसलिए हम इसमें ज्यादा रखेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसको कर देता हूँ 90, और मुझे ये ठीक लग रहा देखने में, और थोड़ा सा ज्यादा लग रहा तो मैं 85 कर, तो ये मैंने यहाँ पे 85 कर दिया इसको। अब मैं इसका जो मास्क है इसको कॉपी कर लूंगा।
एंड इसके बाद में मुझे एक एडजस्टमेंट लेयर ले लेनी है और एडजस्टमेंट लेयर पे आने के बाद में यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा फास्ट बॉक्स ब्लर एंड इसमें जो नंबर है मैं यहाँ पे दे दूंगा 3 और ये काफी अच्छा ब्लर आपको देखने मिल जाता है। यहाँ पे मेरे को मास्क को पेस्ट कर देना, तो ये देखिए बहुत ही अच्छा जो लुक है यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। अब इसमें हम कुछ डिटेल्स और ऐड करेंगे, जो ग्रेन्स वगैरह वो ऐड करेंगे ताकि हमारा जो ओवरऑल लुक है पूरे वीडियो का वो इनहेंस हो जाए। तो सिंपल मुझे आ जाना है यहाँ पे, मैं कुछ वीडियोज इंपोर्ट करूंगा लाइक जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डस्ट एंड स्क्रेचेस जो आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। सिंपल ये आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का वीडियो है, तो यहाँ पे ओल्ड लुक जो है आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे इसको स्क्रीन कर दूंगा, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लुक आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो डस्ट एंड स्क्रेचेस जो आपको यहाँ पे देखने मिल जा रहे हैं इस टाइप से, तो ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद में मैं यहाँ पे एक और ऐड कर दूंगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से जो है बर्न टाइप से दिखाई दे रहा है, तो ये भी यहाँ पे आप इसको हम स्क्रीन कर देंगे एंड देखेंगे ओवरऑल लुक जो है काफी अच्छा आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी डिजाइन को बहुत ही अच्छा एलिगेंट टाइप से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही एंगेजिंग लगता है देखने में। तो ये देखिए बहुत ही शानदार लग रहा है आपका ये डिजाइन है और इस टाइप से बहुत ही अच्छा लुक आपको ओवरऑल देखने मिल जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का जो वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा, इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक में वीडियो लेकर के आऊंगा। एंड फ्रेंड्स मैं मिलूंगा एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।